Hello class first today we will do listening exercise of chapter 4 the new bedroom so you have to listen this audio carefully and after listening this audio you will hear six words underline the words that you hear in this audio listen carefully you will hear six words underline the words that you hear clock cats dogs bedrooms drawer picture okay kids अभी आपने जो words यहाँ पर सुने हैं उनको आपको क्या करना है यहाँ पर जो Uh, आपको ब्लॉक्स में ये वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है ओके नाउ वी विल डू स्पीकिंग स्किल्स ऑफ दिस चैप्टर तो आपको क्या करना है यहाँ पर एक आपको फ्रेम दिया हुआ है इस फ्रेम में आपको अपना फेवरेट टॉय का पिक्चर बनाना है तान्या एंड सुजान एंजॉय जिक्स ऑफ पजल आपने चैप्टर में पढ़ा था कि तान्या और सुजान उनको न्यू बेडरूम उनके पेरेंट्स ने गिफ्ट किया और उसमें उन्होंने बहुत सारे टॉयज रखे हुए थे जिसमें उन्होंने एक जिक्स और पज़ल जो उनका फेवरेट था उसको वो काफ़ी इन्जॉय करते थे आपको बताना है विच इज़ योर फेवरेट टॉय और गेम आपका फेवरेट टॉय और गेम कौन सा है उसकी पिक्चर आपको यहाँ ड्रॉ करनी है और उसको कलर करना है शो योर ड्राॅइंग टू योर पार्टनर और उसके बाद उस ड्राॅइंग को ड्रॉ करने के बाद अपने पार्टनर को उसको दिखाते हुए आपको उस पिक्चर के बारे में कुछ बताना है ओके okay, तो आप देखिए यहाँ पर नीचे आपको एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए ये तान्या जो है वो अपना फ्रेंड को सिमी है उनकी फ्रेंड उनको अपना जो उन्होंने पिक्चर ड्रा किया है ये ट्रेन का पिक्चर उन्होंने ड्रॉ किया है उसको वो शो करते हुए देखिए उनको क्या बता रहे हैं ये देखिए रीड वॉट तान्यांग अबाउट हर फेवरेट टॉय तो यहाँ पर वो बोल रही है तान्या माई फेवरेट टॉय इज़ द ट्रेन उन्होंने ट्रेन की पिक्चर ड्रॉ की है तो वो ट्रेन के बारे में बता रहे हैं कि माई फेवरेट टॉय इज द ट्रेन इट हैज़ अ रेड इंजन इसका जो इंजन है वो कैसा है रेड एंड इट रंस ऑन ट्रैक्स और किसके ऊपर चलती है ये ट्रैक्स के ऊपर माई सिस्टर्स एंड आई प्ले विध आर टॉय ट्रेन मैं और मेरी जो सिस्टर हैं वो हमारी जो टॉय ट्रेन है उसके साथ खेलते हैं अब इसी तरीके से आप यहाँ पर कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं लाइक like आप एक ब्यूटिफुल डॉल जो आपकी फेवरेट अगर डॉल टॉय आपका फेवरेट है तो वो आप यहाँ टॉय के लिए आप डॉल की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं फिर आप उसको बता सकते हैं कि माई फेवरेट टॉय इज माई डॉल इट्स नेम इज़ बिन्नी है ना इट हैज़ टू आईज ऑफ ब्लैक कलर एंड द ड्रेस ऑफ माई बिन्नी इज ऑरेंज तो इस तरीके से कोई भी पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे और उसके बारे में आप उस अपने फ्रेंड को बताएंगे ओके okay? तो ये है आपकी लिस्ट स्पीकिंग स्किल्स का एक्सरसाइज नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टाइम टू राइट यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है आपको उस पिक्चर को केयरफुली देखना है और उसके बाद यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसको आपको फिल करना है लुक एट द पिक्चर ऑफ़ सुजान एंड तान्याज हाउस एंड स्पॉट द किटन्स इन द पिक्चर तो देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर में आपको एक कैट और उसके जो बेबी बेबी को क्या बोलते हैं किटन्स तो किटन बोलते हैं यहाँ पर आपको कितने किटन्स uh, दिखाई दे रहे हैं वन टू थ्री फोर फोर किटन है यस yes. तो यहाँ पिक्चर आप देख करके उसको आपको फिल करना है देयर आर फोर किटन्स एंड कैट कितनी है अ कैट इन द रूम ओके अब पोजीशन क्या है उनकी वेयर आर द किटन्स एंड द कैट सिटिंग जो कैट और जो किटन्स हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं वो आपको इसमें कंप्लीट करना है सेंटेंस में उसकी पोजीशंस को टू ब्लैक किटन्स आर सिटिंग ऑन द जो टू ब्लैक किटन्स हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं ऑन द चेयर तो यहाँ पर आप फिल करेंगे चेयर एंड द वाइट किटन इज अंडर द जो दाइट किटन आपको दिखाई दे रही है किसके नीचे बैठी हुई है अंडर द टेबल टेबल के नीचे तो आप लिखेंगे अंडर द टेबल एंड द ब्राउन किटन इज नियर द डैश जो ब्राउन किटन है वो कहाँ बैठी हुई है नियर द सोफा सोफे के साइड में बैठी हुई है तो नियर द सोफा एंड द बिग कैट इज सिटिंग नियर द और जो बिग कैट है वो किसके पास बैठी हुई है नियर द बैग बैग है ना उसके जस्ट साइड में रखा हुआ है तो नियर द बैग ओके तो इस तरीके से आप इसको ब्लैंक्स को फिल करेंगे और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर लाइफ स्किल्स दिए हुए हैं सुजान सो दस रूम ऑफर टू फ्रेंड जो सुजान है वो अपने टू फ्रेंड्स का रूम जो है वो देखता है दिस इज़ मोहनस रूम एंड दिस इज रीमाज रूम कैन यू से विच रूम शी लाइक एंड वाई जो सुजान है उसको कौन सा रूम पसंद आएगा देखिए मोहन का रूम जो है वो काफ़ी नीट एंड टाइडी है और यहाँ पर रीमा का जो रूम है वो काफ़ी गंदा है अन है तो आई थिंक सुजान विल लाइक मोहंस रूम बिकॉज मोहनस रूम इज क्लीन एंड टाइडी ओके तो दिस वॉज योर चैप्टर योर चैप्टर इज फिनिस्ड अब नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे एक नेक्स्ट पोएम आपको दी हुई है उस पोएम का आपको वीडियो जो है वो मिलेगा उस पोएम को आपको अच्छे से लिखना है और लर्न करके उसकी वीडियो बनाकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करनी है अभी तक आप लोगों ने भी एक भी पोएम लर्न करके वीडियो उसका शेयर नहीं किया है तो आपको इस पोएम को लर्न करना है और उसकी वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करना है ओके नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यू चैप्टर टिल देन बाय बाय